सब हमको जय यीशु, जय यीशु। तो हम लोग नानू जो हम लोग को बहुत संभाल के रखते थे। हम लोग को हमेशा बोलते रहते थे कि हमेशा बड़ा पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से बड़ा आदमी बनो। और हम उनके साथ भी बचपन में हम लोग बहुत से काम करते हम खेलते थे कूदते थे। उसके बाद हम जो यहाँ राउरकेला में आर्य वंडरलैंड में जो पढ़ते थे जब छोटे थे, सबको जब शाम होता था तो सब लोग एक साथ इकट्ठा होके हम लोग सब परिवार मम्मी पापा लोग को नाना नानी लोग को बोलते थे कि आइए सब लोग बैठिए। उसके बाद हम सबको राइम्स सुनाते थे और कोई भी कुछ भी करता था उस समय, जैसे हम लोग कुछ गलती करते हैं तो डांट खाते, वैसे ही हम भी सबको बोलते थे कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे सब बोलते रहते थे। और वो भी और नाना भी हम लोग जब हम लोग को पता चला कि बहुत अच्छे कैरम प्लेयर हैं, उनके साथ भी हम लोग सोचते थे कि चलिए कुछ सीखते हैं उनसे। उसके बाद खेलते खेलते उनको हरा ही नहीं पाते थे। हम लोग क्या करते थे, कैसे खेलते थे, फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग जान गए थे ऐसे खेलते हैं उनके साथ। उनसे अच्छा हम प्लेयर वो और नानू और नानी के साथ हम लोग हमेशा इसे खेलते रहते थे। और दोनों हम लोग को बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और बड़े आदमी बनो। धन्यवाद। हमारे नानू पीयूष कुल्लू बहुत अच्छे व्यक्ति थे। चलो याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब दोनों छोटे बच्चों को मैं बुलाना चाहूँगा, जस्टिन और चिकू, सॉरी मेलविन और सबों को जय यीशु, सभी को जय यीशु, जय यीशु। हमारे नानू इतने अच्छे व्यक्ति थे और हमारे साथ खेलते थे। हम लोग घूमने जाते थे उनके साथ और हम लोग को स्टोरी भी सुनाते थे। और हम और नानू एक साथ चाय पीते। नानू के साथ खेलता था। ठीक है। सबों को जय यीशु, जय यीशु। सबों को जय यीशु, जय यीशु। बाबा हमारे एक फादर फिगर थे, जो एक सपोर्टर थे, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो। सो हमारे लिए वो बहुत कुछ किए। इवन जब नाती लोग आए तब उनको भी बोलने लगे कि उन लोग को भी अच्छा से पढ़ाओ, जैसे हम तुम लोग के लिए किए। हमें जो अच्छा स्कूल में पढ़ाए, कार्मल स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं, जो अच्छा शिक्षा हम लोग को दिए, वहाँ से जो हम लोग को मॉरल वैल्यूज़ मिले स्कूल से, तो हम लोग के लिए ये बहुत आभारी है कि हमें उस अच्छे स्कूल से निकल के अभी हम लोग ऐसे जगह में हैं कि हमें जो हमारे ग्रेजुएशन किए और हमें सबसे अच्छा है कि मार्गदर्शन दिए कि हमें बीएड करने के लिए उत्साहित किए, जो हम लोग लॉयला बीएड कॉलेज जमशेदपुर से किए हुए हैं। तो हम लोग बोले कि आगे बढ़ते जाओ, जो भी आपको परेशानी होगी, कठिनाई होगी, ये सब जो क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ाई है, जो किए करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये शिक्षा अपने बच्चों को भी देते रहिए ताकि वो आगे बढ़ते रहें और अपना कर्तव्य करते रहें और अच्छा से अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मुझे पापा माँ दोनों हमें बोलते थे कि कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। फाइनेंशियली हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए हमेशा बोलते थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर रहना क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है क्या होगा।
तो ये चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में बैठा रहा कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और यही चीज़ हम अपने बच्चों में भी डालते हैं कि पढ़ाई करो, यही तुम्हें आगे लेके चलेगा। और मुझे कभी याद नहीं आता कि पापा ने मुझे मारा हो, कभी नहीं मारा था। धन्यवाद।